दोस्तों आज 1 जुलाई है और आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग गया है। नगर पालिका यू ने बताया कि आज के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का क्रय विक्रय करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति लोगों को जागरूक करने की मंशा से नगर पालिका के द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में आज बांदा के अवस्थी पार्क में नगर पालिका की टीम के द्वारा शहर के तमाम ग्रामीण लोगों को एकत्रित करके एक शपथ ग्रहण कराया गया, जिसमें लोगों को इस बात की शपथ दिलाई गई कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। इस शपथ समारोह में शहर के तमाम लोग एकत्रित हुए और उन्होंने संकल्प लिया कि वो आगे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका की टीम ने अवस्थी पार्क में सफाई अभियान भी चलाया। सर, आज नगर पालिका अवस्थी पार्क में एक शपथ समारोह हुआ है और प्लस सफाई अभियान चलाया गया, किस उपलक्ष्य में था और किस तरह का वो शपथ समारोह था? जी, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ एक बृहद अभियान चलाया जा रहा है जो 29 जून से लेकर 3 जुलाई तक चलेगा। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने अवस्थी पार्क में जो प्लास्टिक था, पॉलीथीन थी, उसको हम लोगों ने एकत्रित किया है और वहां पर उपस्थित जन समुदाय को जागरूक भी किया है। शपथ भी दिलाई गई है कि इसका उपयोग न किया जाए, यह हानिकारक है और इससे बीमारियाँ भी फैलती हैं, और इसको सरकार द्वारा 1 जुलाई से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। सर, इसमें क्या किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है? जी, इसमें जुर्माने की कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई एक से अधिक बार उस अपराध को दोहराता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है। आपका दूसरा तीसरा दिन था, किस तरह का जो है सहयोग मिल रहा है समाज में लोगों से आपको? जी, हम लोग जो है कल 29 तारीख से, जिस दिन से शुरू हुआ है, तो हम लोगों ने NCC और आज़ाद हिंद फौज के बच्चों के साथ पूरे शहर में एक जन जागरूकता रैली निकाली थी, और उसके बाद हम लोगों ने जो रास्तों में पॉलीथीन था या सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी था उसको एकत्र किया था। उसके बाद 30 तारीख को हमारा रेलवे स्टेशन के आसपास यही अभियान चला और आज अवस्थी पार्क में है, और कल और परसों ये वाटर बॉडीज़ और नदी के किनारे भी चलाया जाएगा।